देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के महेंद्र एनक्लेव में अवैध निर्माण का कारोबार लगातार चल रहा है। बिल्डर माफिया और दिल्ली नगर निगम की मिली भगत से महेंद्र एनक्लेव में लगातार बड़े बड़े कोठियां बनाई जा रही हैं और दिल्ली नगर निगम एवं इलाके के निगम पार्षद विकास सेठी की वजह से महेंद्र एनक्लेव में अवैध निर्माण हो रहा है। केशवपुरम क्षेत्र के वार्ड नंबर 68 में महेंद्र एनक्लेव और मॉडल टाउन में अवैध निर्माण चल रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ नेशनल इंडिया न्यूज़ लगातार आवाज़ उठा रही है। फिर भी बिल्डर माफिया और प्रशासन की मिली भगत से महेंद्र एनक्लेव में लगातार अवैध निर्माण चल रहा है। महेंद्र एनक्लेव के हर ब्लॉक में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है और महेंद्र एनक्लेव में कोई नक्शा प्लान नहीं बनाया गया। अवैध तरीके से बगैर नक्शा प्लान के 500 गज की कोठियां बनाई जा रही हैं। महेंद्र एनक्लेव में 20 से ज्यादा अवैध तरीके से मकान बन रहे हैं। करोड़ों की रिश्वत चढ़ाई जा रही है। ये सब दिल्ली नगर निगम प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। कई शिकायत के बाद भी प्रशासन जाग नहीं पाया। प्रशासन की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है जो जगाने के बाद भी नहीं जाग पा रही। करोड़ों की रिश्वत चढ़ाई जा रही है। इसी की वजह से बिल्डर माफिया और प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। 20 से ज्यादा अवैध निर्माण का जिम्मेदार कौन है? शिकायत के बाद प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? अब देखने वाली बात ये होगी कि नेशनल इंडिया न्यूज़ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और प्रशासन को जगाने का काम कर रहा है, और देखने वाली बात यह है कि प्रशासन जाग पाता है या नहीं, या यूं ही गहरी नींद में सोता रहेगा।